बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मून टीवी की जानिब से तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। ये चिकन पुलाव झटपट बन जाएगा क्योंकि इसमें मैंने यखनी नहीं बनानी। मैंने ये अपना पैन गरम करने रख दिया और इसमें मैंने हाफ कप ऑयल भी डाल दिया है। पैन मेरा गरम हो गया है। अब मैंने ये एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, काफ़ी बड़ी थी, ये मैं इसमें डालकर लाइट गोल्डन करूंगी। ये पुलाव झटपट बन जाता है और बहुत मज़ेदार होता है। इसके अंदर मैं यखनी नहीं डाल रही, विदाउट यखनी का बनेगा लेकिन बहुत मज़ेदार होगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं और मुझे अपनी राय भी बताया करें कि आपने ट्राई किया तो किस तरह का बना, मुझे कमेंट्स ज़रूर दिया करें। ये देखें, मैं प्याज लाइट गोल्डन कर रही हूँ। प्याज मेरी लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें ये एक टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ है ये डाल दूँगी। लहसुन अदरक अच्छी तरह फ्राई हो गया तो अब मेरे पास ये आधा किलो चिकन है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। चार हरी मिर्ची हैं साबुत, ये भी इसमें डाल दूंगी। दो पत्ते तेज़पात, ये भी इसमें डाल दूंगी। बे लीव्स के हैं, तीन चार स्टार इनिंग्स, ये भी इसमें डाल दूंगी। बादियान के फूल, हाफ टी स्पून काला ज़ीरा जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसमें डाल दिया। तीन चार स्टिक दालचीनी की, ये दो बड़ी इलायचियाँ, तीन चार छोटी इलायचियाँ, आठ दस लौंगें और आठ दस काली मिर्चें, ये पूरा गरम मसाला साबुत इसमें डाल दिया। अब चिकन को मैं इतना फ्राई करूँगी कि चिकन वाइट कलर का हो जाए। चिकन को मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है, ये देखें कितना प्यारा इस पर कलर आ गया है। ये मैं अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। अब इस चिकन में मैं हाफ कप ये दही है मेरे पास फेंटा हुआ, ये भी इसमें डाल दूंगी और दही डालकर मैं अच्छी तरह फ्राई करूंगी। दो टीस्पून वन एंड टू, दो टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और नमक दही भी अपना पानी छोड़ेगा तो चिकन को दोबारा फ्राई करूंगी। चिकन दही में अच्छी तरह फ्राई हो गया है और दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें एक कप पानी डाल देती हूँ और मीडियम आग पर इसे पकने दूंगी कि मेरा चिकन अच्छा सा गल जाए। ये मैंने एक कप पानी डाल दिया है और इसको मीडियम आग पर पकने दूंगी। 15 से 20 मिनट में मेरा चिकन गल जाएगा। इसको मैं ढक देती हूँ। मैंने चिकन में एक गिलास पानी डाला था और आधा घंटे इसे पकने दिया था। अब ये देखें चिकन मेरा गल गया है और पानी भी ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें, मेरे पास दो कप चावल हैं जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, उसमें मैं ये चार कप पानी डाल रही हूँ। एक टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया है। जब मेरा पानी बबलिंग बॉइल पर आएगा तब मैं इसमें चावल डालूंगी।
अभी ये पानी मेरा बॉइलिंग होगा जब, तो तब मैंने इसमें चावल डालने हैं। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे, बासमती चावल हैं। पानी में मेरे बॉयल आ गया है, ये देखें, चावल का पानी मैंने निकाल लिया है। जिस पानी में मैंने चावल भिगोए थे वो पानी मैंने ड्रेन कर दिया। अब इसमें मैं ये 2 कप भीगे हुए चावल ये डाल दूँगी। 2 कप चावल थे तो 4 कप मैंने इसमें पानी डाला है, और जब पानी बॉयल होने लगा फिर मैंने इसमें ये चावल डाले हैं। इसको ज़रा मैं चला लूँगी। अब मैं इसमें नमक चेक करूँगी, अगर नमक पानी में तेज़ हुआ तो हमारे चावलों में नमक ठीक रहेगा, अगर पानी में नमक कम है तो मैं थोड़ा सा नमक और डालूँगी। पानी में नमक थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। पहले मैं इसे 2-3 उबाल तक ज़रा तेज़ आग पर पकाऊंगी, जब पानी कम हो जाएगा फिर मैं इसे दम लगा दूंगी। अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये देखें, इस तरह हमारे चावल पकने चाहिए। जब इसमें पानी कम रह जाएगा फिर मैं इसे दम पर लगाऊंगी। अब मेरे चावलों में देखें पानी कम रह गया है, इस स्टेज पर मैं लो फ्लेम करके इन्हें दम पर लगाती हूँ। इतना पानी रह जाए तो आप दम लगा दें, फ्लेम लो कर दें। चावलों को दम लगाए 15 मिनट हो गए। अब मैं अपने चावल खोल कर देखती हूँ कि कैसे बने हैं। 15 मिनट में मैंने इनको खोल कर नहीं देखा था, इसका ढक्कन। वाह, चावल हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। और ये चावल सॉफ्ट भी हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और बहुत अच्छे चावल बने हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और डिश आउट करती हूँ। चावलों को हमेशा एक साइड से उतारें। ये देखें, बहुत मज़ेदार मेरे ये चिकन पुलाव तैयार हो गया। इस पर मैं थोड़ी सी फ्राई हुई हुई प्याज है ये भी कर देती हूँ, ये इस पर बहुत मज़े की लगती है। ये रायते के साथ और सलाद के साथ चिकन पुलाव खाएं, बहुत मज़ेदार बना है और इसका इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएँ और मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।